श्रीधराचार्य जी स्वामी आप कथा सुना रहे थे, एक उनका शिष्य बैठा था, तो महाराज जी कथा सुना रहे थे उखल बंधन की कथा सुनाई श्रीधर स्वामी पाद ने। क्या उखल बंधन में क्या होता है? यशोदा मैया ने क्या किया? हाँ, रस्सी से लाला को बांध दिया उखल से। अब रस्सी से लाला को उखल से बांधा, ये बात जैसे उस शिष्य ने सुनी ना, वो बीच कथा में से उठ के घर भागा। और घर किस लिए भागा? सात वालों ने पूछा, क्यों भाग रहा है? बोले, हमारे लाला को मैया ने बांध दिया, उसको चोट लग गई होगी, तो हम जल्दी जाके उसकी मालिश करके आते हैं। तो बीच कथा में से उठ के चले गए मालिश करने ठाकुर जी को। अब जो साथ वाले और शिष्य थे, उन्होंने सोचा ये बढ़िया मौका है, इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हर गुरु के मंडली में ऐसे चेला होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करते फिरते हैं। गुरुजी से जाके, वो गुरुजी ये ऐसा, गुरुजी वो वैसा, तो आ गए श्रीधर स्वामी पाद से, कहा महाराज जी ये देखो आपकी कथा बीच में से छोड़ के चला गया और कहता है कि भगवान को चोट लग गई होगी, नाटक करके चला गया, हमको तो लगता नींद आ रही सो भाग गया। तो श्रीधर स्वामी पाद तो जानते हैं, अच्छा महापुरुष तो जानता है कि भाई किस में कितनी गहराई है। श्रीधर स्वामी पाद ने कहा चलो उसके घर चलो, और सबको लेकर के वो उसके घर आ गए। घर आके उससे पूछा, भैया क्या हुआ, तू कैसे भाग आया? बोले, हमको दुख लगा कि हमारे लाला को बांध दिया, और सच्ची बताऊं गुरुवर, जब मैं आया और मैंने अपने लाला के वस्त्र हटा के देखे, तो गुरुदेव मुझे मेरे लाला के कटी में, मतलब कमर में, लाल लाल रस्सियों के निशान दिखाई दिए। गुरुजी बोले, ऐसे कैसे दिखाई दिए? तो शिष्य बोला, ले आप देख लीजिए। और जैसे उसने गोपाल जी का दर्शन कराया, सारे शिष्यों की आंखें खुली की खुली रह गई कि पीतल की मूर्ति, और उस मूर्ति पर ठाकुर जी के अंगों पर रस्सी के निशान बने हुए थे। गुरु ने कहा, श्रीधर स्वामी पाद ने, देखो यह है सच्चा श्रोता, तुमने तो बस ऊपर ऊपर से सुनी, पर इसने तो देखी, इसने कथा को देखा, इस कथा को सुना नहीं, इसने देखा कि मैया ने सचमुच उखल से बांध दिया। तो प्रभु, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो भगवान की मूर्ति को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसी एक और भक्तमाल जी में कथा आती है, दो सहेली थी, एक उनमें से गोपाल जी की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल जी की। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी हैं? तो मतलब बहुत लोग के घर में हैं। आपको पता है घर में लड्डू गोपाल जी रखना बहुत आसान है, पर लड्डू गोपाल जी की पूरी भाव से, नियमित रूप से सेवा पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का भोग, तीनों समय भोग, वैसे तो अष्टयाम सेवा होती है, पर चलो थोड़ा छूट दे देते हैं, गृहस्थी हैं बहुत ज़्यादा नहीं, तो तीन समय तो कम से कम भोग लगना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को दोनों समय आरती होनी चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, उनको वस्त्र बदलने चाहिए। और अगर ये कहोगे कि जी समय नहीं, तो फिर तो हमारे जीवन को धिक्कार है कि जिसने हमको समय दिया उसी के लिए समय नहीं। तो गोपाल जी रखो, बड़ी बढ़िया बात है, पर उनकी सेवा भी प्रॉपर ढंग से करनी चाहिए, पूरी तरीके से। घर में जो भोजन बनता, मैंने एक दिन कहा था, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर घर वाले खाइए। बिन भोग लगाए पाओगे तो वो अन्न फिर बुद्धि खराब करेगा, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, रोज बदल बदल के लगाइए, जो खा रहे हो बदल बदल के, रोज ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए। एक ही चीज रोज भगवान को मिश्री 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 खिलाते रहोगे, तो लड्डू गोपाल जी फिर बोलेंगे, भैया इतना खिला खिला के हमको शुगर डायबिटीज करवाएगा क्या? कभी बदल भी दिया कर।
कभी कुछ भोजन में और भी दे दिया कर, कभी नमकीन भी दे दिया कर। तो कथा आती है कि एक दो सहेली थी, उसमें एक सहेली गोपाल जी की सेवा करती, तो उसको महीना भर के लिए कहीं काम पे जाना था, तो उसने दूसरी सहेली को बोला कि बहन तू हमारी गोपाल जी की सेवा कर लेगी क्या एक महीना, क्योंकि ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकती मैं। तो बोली ठीक है कर लूंगी, ला दे। तो वो सहेली ने ला के दूसरी अपनी सहेली को गोपाल जी लड्डू गोपाल जी दे दिए। और जो दूसरी सहेली थी उसने कभी गोपाल जी को देखा नहीं था, कैसे होते हैं गोपाल जी। सर्दी का समय था, उसने सुबह जैसे उठ करके पर्दा खोला, और पर्दा खोला तो देखा कि गोपाल जी का तो एक पांव अकड़ा हुआ है। अकड़ा हुआ था नहीं, गोपाल जी तो ऐसे ही रहते हैं, एक एक चरण उनका पीछे होता है मुड़ के, और एक आगे, एक हाथ में लड्डू रहता है, और यही आकृति हर गोपाल जी की होती है। उसने कभी देखा नहीं, उसने सोचा कि जाड़े में ठंड में लगता है गोपाल जी को लकुआ मार गया। तो बेचारी एकदम दुखी हो गई कि हमसे तो बड़ी बारी गलती हो गई, और अब सहेली आएगी तो पूछेगी इसलिए छोड़ के गई थी मैं लड्डू गोपाल जी, तू ऐसा ध्यान रखेगी उनका। तो बेचारी ने सोचा क्या करूं, फिर मन में आ चलो अभी तो एक महीना उसको आने में, एक महीना तक तो बढ़िया रोज इनकी मालिश कर करके इनको एकदम ठीक कर दूंगी, एकदम परफेक्ट कर दूंगी, और रोज मालिश चालू, धूप में बैठ करके मालिश करती। एक महीना बाद वो दूसरी सहेली आई, उसने कहा सेवा हो गई, हाँ बहुत बढ़िया हुई बहुत। उसने सोचा बात को छुपा के रखूंगी, उसने कहा ला तो अब गोपाल जी दे दे। तो उसने गोपाल जी को लिया, और जैसे उसने गोपाल जी को पकड़ा उसके होश उड़ गए। क्या देखा उसने, जिन लड्डू गोपाल जी को वो छोड़ करके गई थी मुड़े पैर, वो गोपाल जी दोनों पैरों पर खड़े हुए, दोनों पैरों पर लड्डू गोपाल जी खड़े हैं। वो तो एकदम घबरा गई कि ये कैसे हुआ, उसने पूछा ये कैसे। दूसरी सहेली तुझे पता लग गया, अरे हमने तो खूब छुपाया था। बोले इसमें छुपा कैसे सकती है तू, मैं कैसे छोड़ के गई थी। उसने सारी कथा बताई, तब उसको समझ आया कि अच्छा गोपाल जी की आकृति ऐसी थी। बोले हाँ, लेकिन आज उसने अपने भाव से गोपाल जी की पीतल की मूर्ति को भी बदल डाला। तो भैया सच बात तो यही है कि चाहे घर की मूर्ति हो, चाहे ये मंदिर में जो मूर्तियां विराजमान होती हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये कोई पत्थर, कोई पीतल, अष्ट धातु, ये सब इनकी मूर्ति नहीं होती है, साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। साक्षात भगवान है ये सब जितनी भी मूर्तियां हैं। कोई जो भाव लेके इनको, उनको भगवान के रूप में भजेगा, उसको दिखेंगे उनमें भगवान। अब ये तो अपनी अपनी बुद्धि है, कोई पत्थर में भी भगवान को देख लेता, और कुछ मूर्ख ऐसे हैं वो भगवान में भी पत्थर देखते हैं कि ये तो पत्थर है भगवान थोड़ी है, ये तो अपनी अपनी सोच है। और कुछ ऐसे हैं जिनको पत्थर में भी अपने ठाकुर जी मुस्कुराते नजर आते हैं। तो भैया ठाकुर जी का स्वरूप सब सुनता है, मंदिर में खड़े भगवान ये मत सोचना कि इनके कान नहीं है, सब सुन रहे हैं ठाड़े ठाड़े, सब देख रहे हैं वहां से बैठे बैठे, तुम कैसे मंदिर में आ रहे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो, कितना दिखावा कर रहे हो, ये सब भगवान देख करके हंसते रहते हैं 24 घंटा। अब भगवान के पास तो अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं ना, कोई कुछ भाव लेके आता है, कोई कुछ शक्ल लेके आता है, कोई रोनी सी शक्ल लेके आता है, कोई मंदिर में कम ही लोग ऐसे होंगे जो भगवान के सामने हंस के जाके कहे कि प्रभु हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, तूने दिया बहुत है मुझे, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हम मांगने नहीं, हम तो बस तुमको धन्यवाद देने आए, जितना तूने दिया उसका धन्यवाद।